ग्वालियर में एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर चढ़ते वक्त ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का अचानक से पैर फिसल गया, जिससे वहां गिर गए और उन्हें चोट लग गई। जिसके बाद ऊर्जा मंत्री के हाल जानने के लिए खुद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उनसे मिलने के लिए पहुंचे, जहां दोनों मंत्रियों के बीच लंबी चर्चा हुई। अपने विभागीय कामकाज को लेकर अक्सर एक्शन मोड में दिखाई देने वाले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बड़े हादसे का शिकार हो गए, जहां ग्वालियर में एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर चढ़ते समय अचानक से मंत्री जी का पैर फिसल गया और मंत्री जी गिर गए। जहां इस हादसे के बाद मंत्री जी को अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उनके पैर में गहरी चोट आई है, जिसके बाद राजधानी में ऊर्जा मंत्री का हाल जानने के लिए खुद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उनके निवास पर पहुंचे, जहां दोनों मंत्रियों के बीच लंबी बातचीत का दौर भी चला। थोड़ा स्लिप हो गया था उनका पैर, कल मंच व्यवस्था वालों की त्रुटि के कारण से। मेरे मित्र हैं, बहुत पुराने साथी, हम दोनों ग्वालियर के हैं, तो हालचाल पूछने आया था और कोई विशेष बात नहीं है, राजनीतिक बात नहीं, जितनी बात हुई पारिवारिक की हुई है। तो मेरी मेल मुलाकात में कोई राजनीतिक वो नहीं है, प्रद्युम्न सिंह जी मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं, दोस्त हैं, राजनीतिक बात हमने कोई नहीं की अभी। वहीं अपने साथ हुए घटनाक्रम को लेकर खुद ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुन लीजिए। देखिए, निश्चित रूप से कल की घटना को कि कई हर व्यक्ति का एक अपना दृष्टिकोण होता है सोचने का, देखने का, मेरा भी दृष्टिकोण है। कहीं ना कहीं जो मंच से मैं गिरा हूं, मैं किसी को दोषी या किसी की कमी बताऊं इससे पहले मुझे खुद को आत्मचिंतन करना चाहिए। कहीं ना कहीं मेरा कमी होगी, इसके कारण ये घटना घटी। और ये संकेत भी दिया है, अगर इस दुनिया में मानते हो तो ईश्वर है, कि राजनीतिक रूप से कभी अहंकार पैदा नहीं होना चाहिए। पद पल भर में आएगा, पल भर में जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस घटनाक्रम को लेकर ऊर्जा मंत्री ने अपनी बातों से कुछ और ही इशारा कर दिया, जहां पिछले दिनों मंत्री जी को कई सियासी विवादों से जोड़कर भी देखा जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।